हेलो दोस्तों, दोस्तों कैसे हो आप सब। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये है EIPL में, मतलब एनर्जी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड में। इसमें सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ईसी और भी ब्रांचेस एलिजिबल हैं। अब इसलिए अगर और ब्रांचेस वाले हैं तो आप वीडियो पूरी देख लीजिएगा, अगर आपके नॉलेज का हो तो आप सबमिट कर दीजिएगा, अदरवाइज रहने दीजिएगा। इसमें डिप्लोमा बीटेक दोनों ही एलिजिबल है। डिप्लोमा कैसे एलिजिबल है वो आप पूरी वीडियो समझ में आएगा, तभी जब बोलेंगे फिर वीडियो देख पाएंगे तभी समझ में आ पाएगा। इसके लिए कोई एग्जाम नहीं है, कोई फीस नहीं है। ये दोस्तों एज पर आपके मेरिट लिस्ट पे, आपका रिज्यूम शॉर्ट लिस्ट पे है, और फ्रेशर और एक्सपीरियंस दोनों ही इसमें एलिजिबल है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी आप इसको सबमिट कर दें, दूसरे को वैकेंसी निकल ले, दूसरे की जॉब लगने से पहले खुद की जॉब लग जाए तो ज़्यादा बेटर है। और दोस्तों क्या है कि आप बिल्कुल, अगर चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए फॉर डेली अपडेट के लिए, क्योंकि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ कभी कभी आती हैं। और मैं अगर आप कुल 20% मेरे भाइयों ने सब्सक्राइब किया है, तो अगर आप चैनल देखते ही हैं तो सब्सक्राइब करने में कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हो सके तो टेलीग्राम चैनल पर भी आप फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसमें क्या है कि आपको सबसे पहले गूगल पे एनर्जी इंफ्रा टेक डालना होगा। जैसे ही आप एनर्जी इंफ्रा टेक डालेंगे, कुछ इस तरीके की आपको सीट ओपन होके आ जाएगी। देखिए वीडियो को अगर आपने एंड तक नहीं देखा, आपको लिंक ढूंढते रहेंगे, लिंक नहीं मिलेगा, और जब तक आप लिंक ढूंढेंगे तब तक कोई और वैकेंसी मिलेगा। दोस्तों एक चीज़ और है, मैंने पहले भी बताया था कि प्राइवेट कंपनी का लिंक मैं डायरेक्टली प्रोवाइड नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ कॉपीराइट इशू। इसीलिए एक मैं बार बार एक चीज़ नहीं दोहरा सकता, बट आप समझ जाइए कि मैं प्राइवेट कंपनी का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में नहीं दे सकता, क्योंकि ये पेड प्रमोशन नहीं है जो मैं उनका लिंक दूंगा। इसलिए दोस्तों ये जॉब के रिगार्डिंग है, तो आपको ध्यान से देखना ही पड़ेगा। गूगल पे जैसे ही आप एनर्जी इंफ्राटेक डालेंगे तो दोस्तों आपको इसमें आपको पर्टिकुलर आप देखेंगे कि इसकी करंट ओपनिंग में जाना है, आप करंट ओपनिंग में चले जाएंगे, नहीं तो आप इसके करियर पोर्टल में जाके, जैसे ही आपको जाना है आप इसी करियर में, इसकी करंट ओपनिंग्स में आप देखेंगे आपको फॉर्म कैसे भरना है, कैसे कैसे आपको सबमिट करना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों ये आप सबसे पहले देखेंगे, इसमें दो तरह की वैकेंसी निकली हुई है, रिक्वायरमेंट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर्स। दोस्तों इसमें क्या है कि, और दूसरे वाला है एनर्जी इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड, और दूसरे वाले में है दोस्तों रिटायर्ड वाले। एक सबसे पहली बात दोस्तों, ये जो है ये आप जो जो मतलब ये जो EIPL है, अगर आप बोलेंगे डिप्लोमा वालों के लिए नहीं है तो ऐसा नहीं है। उसका रीज़न है क्योंकि ये है जूनियर इंजीनियर्स, जो ग्रेजुएट इंजीनियर्स, मतलब अगर ट्रेनी इंजीनियर उन्हें सबमिट करना है, लेना है, तो वो ग्रेजुएट इंजीनियर्स को लेकर, अदरवाइज वो डिप्लोमा इंजीनियर्स को DET पे भी लेते हैं, मतलब डिप्लोमा इंजीनियरिंग ट्रेनी, तो दोस्तों उस पर भी वैकेंसी होती है, तो इसलिए आप उनको भी सबमिट कर दीजिएगा। उसके लिए सबमिट करने का एक ही तरीका है दोनों का। और दोस्तों इसमें कौन कौन एलिजिबल है, जैसे कि आप देखेंगे EIPL इज ए मेजर कंसल्टेंसी कंपनी पूरे पावर सेक्टर में वर्क करती है ये, और ये प्लानिंग अर्जेंटली रिक्रूट, और दोस्तों बहुत अर्जेंट में इसको बंदे चाहिए, टैलेंटेड एंड क्वालिफाइड ग्रेजुएट इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल डिसिप्लिन। 60% मार्क्स से आपके ज़्यादा होने चाहिए। इन एडिशन दे में प्रोसेस एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन एरिया लाइक डिज़ाइन। अगर आपके पास क्योंकि अब ये मत बोलिएगा मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी मांग ही ग्रेजुएट इंजीनियर्स रहे हैं, तो इसलिए आप इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। दूसरा क्या है दोस्तों, इसमें डिप्लोमा वाले भी एलिजिबल है। मेरे दो भाई होंगे वो भी बोलेंगे नहीं है नहीं है। दोस्तों आप मैं अगर कोई भी वैकेंसी लाता हूँ, मेरे को कोई फ्रॉड करने का या फेक करने का कोई शौक नहीं है, इसलिए आपको डायरेक्टली, और जो ये रिक्रूटमेंट भी आपको दे रहा है, ये विलिंग कैंडिडेट में सबमिट दियर डिटेल्ड CV इन कॉन्फिडेंस टू HR विद इन 15 डेज। तो दोस्तों आपको HR से भी बात करनी है विद इन 15 डेज के अंदर। तो दोस्तों अब देखिए वैकेंसी हज़ारों में नहीं है, लेकिन वैकेंसी 50-60 होंगे। जल्दी से जल्दी कोई दूसरा वैकेंसी लेके जाए, उससे पहले आप ले लीजिए। करना क्या होगा इसमें देखिए, जो और जो ये दोस्तों ये जो नीचे वाला है, ये अगर कोई आपके यहाँ रिटायर्ड हो, अभी रिसेंटली रिटायर्ड हुआ हो, NHPC, NTPC या CWC, CEA या स्टेट गवर्नमेंट, मतलब किसी भी इलेक्ट्रिसिटी बॉडी या जहाँ भी, मतलब किसी पावर जनरेशन कंपनी से, तो आप उसके या PSU से, तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है। अब उसके करना क्या होगा, सबसे पहले तो दोस्तों आपको इसके लिए इसके नीचे मेल दी हुई है HR@energyinfratech.com, दोस्तों इस पर मेल करना होगा। मेल पे कंटेंट क्या लिखना है, सबसे पहले आपको एक अपना CV अपडेटेड, देखिए चक्कर क्या है कि आपको अपनी CV को अपडेट करना है। देखिए CV को हमेशा अपडेट, CV मतलब आपको ये मान लेना है कि CV देख एक नॉर्मल सी चीज़ है। अब मैं आपको खाली एक चीज़ समझाऊंगा, एक ही एड चार कंपनियां देती है, बट आप उनके थंबनेल, मतलब जो स्टार्टिंग में जो दिख रहा है उसको देख के आप जो सबसे अट्रैक्टिव वाला हो उसी को देखते हो। उस क्यों क्योंकि और ऐसा ही कंपनियों का है,
कि अगर देखिए, अगर आपके साम चार बंदों की सिमिलर वैकेंसी है, सिमिलर क्वालिफिकेशन है, सिमिलर स्किल है, तो वो जिसकी ज़्यादा लिखने का देखने का तरीका होगा ना, तो उसी को ज़्यादा लेगा। तो अपने सीवी को थोड़ी सी स्किल्स को आप डेवलप कर लीजिए। आप एक काम कर लीजिए, मेरा आपको मेल आईडी मिल जाएगी, वहाँ अपना कुछ बंदे अपना सीवी, अगर आप किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ भेज सकते हैं, शायद मैं वहाँ देख के एक बार आपको रिप्लाई कर दूंगा क्या क्या आपकी प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि अगर रिप्लाई ना कर पाऊँ तो ये मत समझिएगा कि मैं एटीट्यूड में रिप्लाई नहीं कर पा रहा। कोशिश में चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको टाइम दे पाऊँ, बट मेरी पर्सनल लाइफ भी है इस वजह से। आपको इसके लिए करना क्या होगा, आपको जो है दोस्तों इसके कवर लेटर के साथ, कवर लेटर कहाँ मिलेगा, कवर लेटर मिलेगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आपको कॉपी करना है कवर लेटर, और कवर लेटर के साथ अपना सीवी अटैच करके आपको इस मेल आईडी पे सेंड करना है, ये hr@energyinfratech.com पे आपको सेंड कर देना है, बहुत अच्छा होगा। और मैं ये चाहूँगा कि आप आज सेंड करने के बाद एक दो दिन बाद या 10 दिन बाद उनसे दोबारा उनको सेंड करते रहिए, हो सकता है कई बार। और ये कुछ आप पॉइंट लिख लीजिए, मैं क्या करता था दोस्तों, एक टाइम था, मैं अभी तो मेरे को अच्छा मतलब एक्सपीरियंस हो गया है, एक टाइम था जब मैं जॉब अगर मैं सर्च करता था एम्बेसी के लिए, जैसे जिनको नहीं पता उनको भी पता कि मैं भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ, मैं पॉइंट लिखता रहता था कि कहाँ इस कंपनी में वैकेंसी आई है 10 में। आज के टाइम में तो आपको यूट्यूब दिख रहा है या और भी प्लेटफॉर्म दिख रहे हैं, उस टाइम नहीं था। तो दोस्तों मैं लिखता रहता था, एक पेपर पे लिख लिया, एक कॉपी पे लिख लिया, लिख के मैं 20 जगह देख लिया, 20 जगह में जब आ गया ऑप्शन तो उन 20 वालों को ही मैं कंटिन्यू रिक्लिक 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 करता रहा, तो ऐसे ही लग जाती। तो आज के टाइम में तो अलग ही है दोस्तों, मैं नहीं बोलूँगा कि मैं अपनी कभी आपके सामने पूरा पर्सनल चीज़ें बताऊँ, सो दैट्स वाई। बट आप डीमोटिवेट मत होइए, आपकी जॉब जरूर लगेगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।